स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज़। मैं हूं पल्लवी। चलिए बढ़ते हैं देश और दुनिया की ताजा खबरों की ओर। सीहोर में किसानों की ट्रैक्टर रैली 5 किलोमीटर लंबी लगी। जाम शहर के रोड भी हो गए जाम। किसान और समाज सेवी MS मेवड़ा का कहना है कि किसानों की सरकार को सुनना चाहिए। किसान बहुत दुखी हुआ, परेशान है। किसने की भूमि को अधिग्रहण नहीं करना चाहिए। किसानों को सही तरीके से समय पर बीमा मिलना चाहिए। किसने की फसल का सही दाम मिलना चाहिए। किसान के बगैर अनुमति के बगैर सहमति के किसान की भूमि को अधिग्रहण नहीं करना चाहिए। किसानों ने मिलकर भयंकर लंबी ट्रैक्टर रैली सीहोर जिले के अनेकों गांव के दर्जनों गांव के किसानों ने भूमि अधिग्रहण के विरोध और किसानों को सही फसल के दाम नहीं मिलने पर किसानों को बीमा राशि नहीं मिलने पर किसानों ने उग्र आंदोलन करते हुए ट्रैक्टर रैली लंबी 5 किलोमीटर लंबी ट्रैक्टर रैली निकाली। सीहोर जिले के ग्राम आष्टा तहसील के ग्राम भवरी ग्राम अरनिया ग्राम बापचा ग्राम शोभा खेड़ी ऐसे दर्जनों गांव के किसानों की सैकड़ों एकड़ भूमि निजी बस आज की भूमि का अधिग्रहण कर अवैध तरीके से गेल कंपनी बनाई जा रही, जिससे कि ग्रामीण किसानों ने भयंकर दिन रोड से मुख्यमंत्री को जगाना है, देश को भगाना है। मुख्यमंत्री को जगाना है, देश को भगाना है। आशा को पानी पिलाना है, देश को भगाना है। आशा को पानी पिलाना है, देश को भगाना है। सैकड़ों ट्रैक्टर ट्राली लेकर के किसान लोगों ने गांव से लेकर आष्टा तहसील तक आए, SDM को ज्ञापन दिया और ज्ञापन में मांग करी है कि जो गेल इंडिया कंपनी केंद्र सरकार की है, विदेश की है, कहां की है, जो इस गांव में तहसील में लगाई जा रही है, उस कंपनी को हजारों एकड़ जमीन चाहिए। अब हम ये हमारा निवेदन ये है माननीय मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री जी से, जिला प्रशासन से, शासन से कि आप बिल्कुल कंपनी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसानों की निजी भूमि का लेने का अधिकार आपको नहीं होना चाहिए। किसान जब अपनी भूमि नहीं देने चाह रहा, उसकी पैतृक भूमि वो कहां जाएगा? आज किसानों को जमीन मिल कहां रही है? पैसे से भी जमीन मिल कहां रही, और आप किसान की जमीन हड़प करके और उसको थोड़ा बहुत मुआवजा दे भी दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? किसान को तो अपनी खेती भूमि करना है, पैतृक भूमि है। इसका विरोध करके किसानों ने मांग करी है कि गेल इंडिया कंपनी के यहाँ न लगाई जाए,
गेल इंडिया कंपनी से किसानों की निजी भूमि जा रही है, किसानों को कई प्रकार की समस्या आ रही है और पर्यावरण भी खराब होगा, गांव का पेड़ पौधे भी। इस बात को लेकर के तमाम ग्रामीण किसानों ने सीहोर जिले के आष्टा तहसील के एसडीएम साहब के पास जाकर के और ट्रैक्टर ट्राली रैली निकालकर और ज्ञापन दिया और मांग करी है कि गेल इंडिया कंपनी सीहोर जिले के किसी अन्य क्षेत्र में अन्य जगह स्थापित की जावे और किसानों की निजी भूमि ऐसे अन्य जगह सीहोर जिले के कई जगह निजी कंपनियां खुल जाएगी और किसानों की निजी भूमि जाना है। कौन सा अंधा कानून है जो किसानों की बाप बूढ़ों की निजी पैतृक भूमि को सरकार अपनी मनमर्जी से छुड़ा लेगी और कंपनियों को दे देगी और उस पैसों को क्या करेगा किसान? अगर उसको सरकारी रेट से डबल कीमत भी मिले तो क्या करेगा उस पैसे को? आज जमीन है तो उसको पैदावार करके अपने बाल बच्चों को पाल लेगा, पैसे कितने दिन चलेंगे? इसलिए मैं अनुरोध करूंगा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, हमारी क्षेत्रीय सांसद और हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि गेल इंडिया कंपनी को सीहोर के आजू बाजू कोई अन्य भूमि पड़ी हो वहां पर लगाई जाए, लेकिन किसानों की निजी भूमि को अधिग्रहण ना की जावे। ऐसे ही देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए केकेआर न्यूज के साथ।